तो इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का सवाल करने वाले हैं, तो बेसिकली ग्रेविटेशनल प्रेशर से है। तो एक प्लेनेट है जिसका डेंसिटी जो है एक नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है, और डेंसिटी जो है उसका डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेयर डेंसिटी डिनोट इज अ डायमेंशनल कॉन्स्टेंट ऑफ डेंसिटी। एक डिनोट जो है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, डेंसिटी है एक। इफ रेडियस ऑफ प्लेनेट इज आर, रेडियस जो है प्लेनेट का आर दिया हुआ है, देन फाइंड द मास ऑफ प्लेनेट एंड प्रेशर एट द डिस्टेंस आर इक्वल टू 3r/4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेनेट। ये हमको फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है 3r/4। तो सबसे पहले एक हम प्लेनेट बना लेते हैं, और देखिए उस वाले वीडियो में जो है, पिछले वीडियो में जो है हम प्रेशर के बारे में बता चुके हैं। अगर कोई प्रेशर वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको जाके देख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें जो है कुछ दूसरा मेथड हम डिस्कस किए थे, इसको दूसरा मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। वैसा ही है कुछ, लेकिन वहाँ पे हम कुछ रॉक्स उक्स मान कर जो है बताए थे, यहाँ पे प्रेशर उरेसर देखे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका सेंटर है, पहले मास निकालना चाहते हैं इस प्लेनेट का कितना होगा, इस प्लेनेट का मास कितना होगा ये हम निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से आर डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा कट कर लेते हैं इससे, क्योंकि डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह डेंसिटी बढ़ रहा है सेंटर से दूर जाने पर। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस दूर जाके एक कट करने से काम नहीं बनता, तो एक और कट कर लिए डी आर थिकनेस का। इसका थिकनेस कितना है, डी आर है, ठीक है। इसका थिकनेस हमारा डी आर कितना, डी आर दिया हुआ है। अब इसका छोटा सा मास कितना होगा, डीएम होगा। तो बताइए कि अगर हम उस डीएम मास को लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे डीएम मास इक्वल टू, यहाँ पे डेंसिटी कितना दूर, आर डिस्टेंस दूर सेंटर से, इनटू वॉल्यूम इसका, किसका, ये जो हम छोटा सा जो सेल कट किए हैं उसका वॉल्यूम। सेल का वॉल्यूम कितना होगा, तो एरिया, सेल का एरिया 4πr² इंटू थिकनेस डी आर। तो ए होता है एरिया सेल का। तो बताइए कि अगर हमको डीएम इक्वल टू डेंसिटी जो है दिया हुआ है आर डिस्टेंस दूर, डी नोट इंटू आर, ठीक है, डेंसिटी जो है डी आर इक्वल टू दिया हुआ है डी नोट इंटू आर, आर डिस्टेंस दूर जो है डेंसिटी वो इतना है, इंटू 4πr² इंटू कितना, डी आर। तो डीएम इक्वल टू हो जाएगा डी नोट इंटू 4π इंटू r³ इंटू डी आर। अगर टोटल मास चाहते हैं हम निकालना तो इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो ऑफकोर्स 0 से लेके r तक। और ये डीएम 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 मिलकर क्या बन जाएगा, हमारा कैपिटल एम बन जाएगा, मास ऑफ प्लेनेट इक्वल टू डी नोट इंटू 4π इंटू r³ का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, r⁴⁴, ऑफकोर्स 0 से लेके r तक। तो हमारे पास प्लेनेट का जो मास आ गया वो आ गया कितना, 4d⁴π r⁴ कितना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और हमारे पास डी नोट इंटू पाई इंटू r⁴ कितना आ गया, 4। ये प्लेनेट का क्या आ गया, मास। तो पहला सवाल यही था, फाइंड द मास ऑफ प्लेनेट, तो निकाल लिए। अब प्रेशर फाइंड करना है, कोई बात नहीं, प्रेशर भी फाइंड करना सीखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक प्लेनेट ऐसे बना लिए। अब यहाँ से हम आर डिस्टेंस दूर जो हम कट किए थे सेल इस तरह का, और एक और कट किए थे, एक और कट किए थे, तो होगा क्या कि इसका कुछ मास होगा, इस वाला सेल का इसका कुछ मास होगा, तो होगा क्या कि ऊपर वाला जो डीएम मास है वो होगा क्या, करेगा क्या, समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये डीएम जो मास है, इसका मास जो हम डीएम लिए हैं, ये क्या करेगा, सेंटर की तरफ आने का प्रयास करेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर रहेगा, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ। दिस इज जी, इस पॉइंट पे जी, इस पॉइंट पे कितना, जी, जी डैश ले लेते हैं, जी नहीं,
ओजीडीएस का वैल्यू हम जानते हैं आर डिस्टेंस दूर, ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होता है सेंटर की तरफ, उसका वैल्यू होता है जी एम आर अपॉन कितना आर क्यू। ये आर क्या हमारा रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ये होता है हमारा। तो इस एक्सेलरेशन से ये जो डीएम मास है वो आना चाहिएगा किधर, सेंटर की तरफ। जैसे ही नीचे की तरफ आने लगेगा तो नीचे वाले जो मास है, नीचे वाला जो भी सबस्टांस होगा मटेरियल होगा, उसको नीचे से क्या करेगा पुश करेगा, इस तरह से क्या करेगा पुश, ठीक है, इस तरह से पुश करेगा। वो जो पुश करेगा उसको प्रेशर मान लेते हैं पी। और मान लीजिए कि इसका जो थिकनेस है वाला वो डीआर दिया हुआ है, डीआर ये वाला थिकनेस जो छोटा सा मास कट किए हैं, तो डीआर थिकनेस जो दिया हुआ है, तो ऊपर वाला जो है मास, ऊपर वाला जो भी सबस्टांस है या जो भी मटेरियल्स है, वो भी क्या कर रहे हैं इसको पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, इस तरह से क्या कर रहे होंगे पुश, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि ऊपर वाला जो है, मान लीजिए कि ऊपर जाने पे छोटा सा प्रेशर में चेंजिंग हुआ कितना डीपी। अब ऊपर जाने के बाद प्रेशर अगर बढ़ गया होगा तो डीपी पॉजिटिव होगा, ऊपर जाने के बाद प्रेशर घट गया होगा तो डीपी निगेटिव होगा, समझ गया ना। तो ऊपर वाला जो मटेरियल्स है वो इस छोटे से डीएम मास को नीचे की तरफ पुश कर रहा है पी प्लस डीपी प्रेशर से, और नीचे वाला जो मटेरियल्स है वो इसको पुश कर रहा होगा। देखो अगर हम यहाँ पे सेल अगर अलग से बनाए इस तरह से, तो नीचे वाला जो इस तरह से है पुश कर रहा है इधर से ऐसे, इस तरह से, और ऊपर वाला जो है मास उसको इस तरह से पुश कर रहा है अंदर की तरफ। तो इसके कारण जो है एक प्रेशर डेवलप होगा आर डिस्टेंस दूर, और वो आर प्रेशर हम निकालना चाहते हैं। तो बेसिकली प्रेशर होगा कितना, समझा रहे हैं ध्यान से, ए वाला पे जो अंदर से प्रेशर लग रहा है वो पी है, और ऊपर से प्रेशर लग रहा है पी प्लस डीपी, और इसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है जी डैश। तो ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है तभी तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है मैंने पी प्लस डीपी ज्यादा है इंटू एरिया, कितना एरिया, फोर्स, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो ई वाला एरिया, ए वाला एरिया को लिखेंगे हम ए, ठीक है, ऊपर वाला एरिया को। लेकिन नीचे वाला एरिया को भी हम लिखेंगे ए ही, क्यों, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि इतना छोटा सा थिकनेस इसीलिए लिए हैं ताकि जो है एरिया में कोई ज्यादा चेंजिंग ना हो। छोटा सा एरिया में चेंजिंग आएगा ए प्लस डी ए कम होगा डी ए, लेकिन हम छोटा सा थिकनेस इसीलिए लिए हैं क्योंकि एरिया में ज्यादा चेंजिंग ना आए, उसका एरिया भी हम क्या मान लें यही मान सकते हैं, बहुत छोटा सा थिकनेस हम मान लेते, डी आर बहुत छोटा सा है वेरी स्मॉल, तो छोटा सा एरिया में चेंजिंग हुआ इसलिए हम उसको ए ही मान सकते हैं। और ये नीचे की तरफ हो गया फोर्स माइनस ऊपर की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है यहाँ पे प्रेशर इंटू नीचे वाला का एरिया, नीचे वाला का एरिया भी कितना माने हम ए ही मान लिए, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका है कितना, इस वाले जो मटेरियल्स है उसका मास कितना दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स मास दिया हुआ है डीएम, ये वाला इतना दूर का जो मास है कितना डीएम, डीएम लिए हैं। और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जो पुल कर रहा है जी डैश, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि पी ए और पी इंटू ए कट जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे कितना डी पी इंटू ए बराबर डीएम, डीएम को लिखेंगे रो इंटू डी भी इंटू जी डैश, उस पॉइंट पे कितना है जी एम स्मॉल आर बाई आर क्यू, आर डिस्टेंस दूर, यही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो हमारा डी पी इंटू ए आया वो रो डेंसिटी दिया हुआ है, आर डिस्टेंस टू डी नोट इंटू आर, डी भी को लिखेंगे एरिया इंटू थिकनेस, एरिया है सेल का ए और थिकनेस है डी आर इंटू जी एम आर अपॉन आर क्यू, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे एम मास ऑफ प्लेनेट है, तो यहाँ पर ए और ए कट गया और यहाँ पर डी पी इक्वल टू आ गया जी डी नोड, डी नोड इंटू आर स्क्वायर इंटू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर अपन कितना आर क्यू, ए आ गया मेरे पास। अगर हमको नेट प्रेशर निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे अगर नेट प्रेशर निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, इस चीज को समझ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन करेंगे बेसिकली हम यहां से यहां तक सरफेस तक, यहां से यहां तक, यहां से लेके सरफेस तक, क्यों, क्योंकि यहां पे जो मास लिए हैं उसको प्रेशर लगाने वाला कौन है, प्रेशर
प्रेशर लगाने वाला ऊपर वाला मास है नीचे की तरफ, नेट प्रेशर, तो यहाँ से नहीं मास ऊपर वाला है, तो इसलिए हम यहाँ से आर से लेके कैपिटल आर तक ही जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको जो है हम स्मॉल आर से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे, तो नेट प्रेशर जो है हमको मिल जाएगा, देखो जी डी नोड और एम, पहले ही हम मास जो है प्लेनेट का निकाल चुके हैं, कितना डी नोड पाई आर एस पाई का डी नोड पाई आर टू दी पावर 4 निकाल चुके हैं अपॉन आर क्यूब इंटू, इसका इंटीग्रेशन होगा आर क्यूब बाई 3, आर क्यूब बाई 3 अफकोर्स 0 स्मॉल आर से कैपिटल आर। तो यहाँ पे नेट प्रेशर आ जाएगा मेरे पास कितना, जी इंटू डी नोड स्क्वायर इंटू एक आर से ही कट जाएगा इंटू पाई ऊपर है इंटू आर बाई 3 इंटू आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। ये हो गया हमारा क्या प्रेशर किसी भी पॉइंट आर पर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा प्रेशर। अब ध्यान से देखिए कि अगर हम कितना डिस्टेंस दूर प्रेशर निकालना चाहते हैं, 3R/4 डिस्टेंस दूर। तो अगर हम अगर कोई प्लेनेट हो इस तरह का और सेंटर से R इक्वल टू 3R/4 डिस्टेंस दूर अगर हम इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे प्रेशर किसकी वजह से होगा, तो इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सॉरी इस पॉइंट पे प्रेशर किसकी वजह से होगा, तो आसपास के जो भी मासेस है उसकी वजह से होगा। तो जो प्रेशर होगा बेसिकली होगा कितना निकाले हैं, जी डी नोड स्क्वायर पाई आर बाई 3, जी डी नोड स्क्वायर पाई आर बाई 3 इंटू आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर, स्मॉल आर का क्यूब का मतलब 3R/4 का क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा, तो जी डी नोड का स्क्वायर पाई आर बाई 3 इंटू आर का क्यूब माइनस 3 का क्यूब होगा 27R³/64। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, P इज इक्वल टू ऊपर घटाएंगे तो 37 आएगा और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। तो हो जाएगा आंसर मेरे पास जी डी नोड स्क्वायर पाई आर टू द पावर 4 और पहले मल्टीप्लाई करेंगे 37 बाई कितना 192। तो दिस इज द प्रेशर एट दैट पॉइंट। अब इस पॉइंट पे प्रेशर किसकी वजह से होगा, ऊपर वाला जो चट्टान होगा जो ऊपर वाला जो मटेरियल होगा वो जो है इस तरह से क्रिएट कर रहा होगा, क्लियर हुआ ना, इस तरह से। और हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा इसके हर एक पॉइंट पे, लेकिन हाँ और भी दूर जाएंगे तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, समझ गए ना, और दूर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। सेंटर पे पूछेंगे तो प्रेशर कितना होगा, 0। तो इसका ग्राफ तो एग्जैक्टली हम नहीं बना सकते, आप ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट।